पांडवों ने जब हिमालय में बनाया एक ऐसा अद्भुत मंदिर जिसकी छत ही नहीं थी। इस मंदिर को देखकर देवता भी हुए थे हैरान, क्या है इसके पीछे का रहस्य, चलिए आज की इस खास वीडियो में हम यही जानते हैं। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, भारत में ऐसे कई देवी देवताओं के मंदिर है जिनके पीछे अद्भुत और रोचक तथ्य है। इन मंदिरों और देवी देवताओं के विषय में आदिकाल से ही कई रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ बातें आज के वैज्ञानिक काल में हमें रहस्य में इसीलिए लगती है क्योंकि मंदिरों में होने वाले करिश्मे या चमत्कार के पीछे कोई ठोस आधार नहीं मिलता। साथ ही हमने मंदिर दर्शन पर कई ऐसे मंदिरों के बारे में बात की है जिन्हें पांडवों ने बनाया या जिन्हें महाभारत काल में बनाया गया। इसीलिए आज एक बार फिर हम एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनका निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि इस मंदिर में छत नहीं है और ना ही आज तक कोई बनवा पाया है। जब कोई भी बनवाने की कोशिश करता है तो वो अपने आप ही टूट जाती है। दरअसल दोस्तों, ये मंदिर शिकारी देवी का मंदिर है और इसी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल के मंडी में 2850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है शिकारी देवी मंदिर। यह मंदिर आज भी लोगों के लिए बहुत ही रहस्य का विषय बना हुआ है। पुरानी मान्यता है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहां सालों तक तपस्या की थी और उन्हीं की तपस्या से खुश होकर मां दुर्गा अपनी शक्ति के रूप में इसी स्थान पर स्थापित हुई। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर बाद में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान तपस्या भी की। पांडवों की तपस्या से खुश होकर मां दुर्गा प्रकट हुई और पांडवों को कौरवों के खिलाफ युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया। उसी समय पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया लेकिन किसी वजह से इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। मां की पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित करने के बाद पांडव यहां से चले गए। यहां हर साल बर्फ तो खूब गिरती है पर मां के स्थान पर कभी भी बर्फ नहीं टपकती। ये बिल्कुल एक अद्भुत चमत्कार जैसा लगता है। अब जरा सोचिए, आपने एक घर बनवाया है, उसके ऊपर छत नहीं है और उस इलाके में हमेशा बर्फ पड़ती है सर्दियों के महीने में, तो जब आप उस घर के अंदर जाएंगे तो वहां बर्फ होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। आज तक वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए। कुछ का कहना है कि इसके ऊपर एक अदृश्य दीवार है, यानी एक अदृश्य छत है जो बर्फ को अंदर आने से रोकती है। सिर्फ यही नहीं, एक अन्य मान्यता ये भी है कि ये पूरा वन क्षेत्र था, इसीलिए यहाँ शिकारी वन्य जीवों का शिकार करने आते थे। शिकार करने से पहले शिकारी इस मंदिर में सफलता की प्रार्थना करते थे और उनकी ये प्रार्थना सफल भी हो जाती थी। इसके बाद इस मंदिर का नाम शिकारी देवी पड़ गया। आपको बता दें कि इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंच गई है। दोस्तों, मंदिर के आसपास कई निर्माण हुए और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज तक सैकड़ों कोशिशों के बाद भी इस रहस्य में मंदिर की छत नहीं बनवा पाए हैं कोई भी। हिमाचल के मंडी में 2850 मीटर की ऊंचाई पर बना यह शिकारी देवी माता का मंदिर बहुत ही रहस्यमय है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। ये मंदिर प्राकृतिक नजारे से बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। साथ ही रास्ते के दोनों तरफ हरियाली है और मंदिर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है जो आपको सीधा स्वर्ग जैसा ही लगता है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये खास जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।